आजकल देश में तबलीगी जमात चर्चा का विषय बना हुआ है। तबलीगी जमात का एक धर्म सम्मेलन निजामुद्दीन दिल्ली में 1 मार्च से 15 मार्च के बीच हुआ था और इस सम्मेलन में देश और विदेश के हजारों मुसलमान अनुयायी भाग लिए थे और सम्मेलन के समाप्ति के बाद बहुतेरे अनुयायी देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। जानकारी के अनुसार कुल 14 राज्यों में इन लोगों से संबंधित कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं और अन्य लोगों की जानकारी इकट्ठा करने का काम अभी जारी है। मेरा चैनल फिलोसोफिया है। इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य विभिन्न विषयों पर जानकारी इकट्ठा करके अपने लोगों में शेयर करना है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसके वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करें। को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं चाहूँगा कि आप लोगों को तबलीगी जमात के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दूँ। तबलीगी जमात सुन्नी मुस्लिम धर्म का एक भाग है। इसका उद्देश्य सुन्नी मुसलमानों के को रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की तरफ लाना है, जो इस्लाम मोहम्मद साहब के समय प्रैक्टिस में लाया जाता था। इसकी स्थापना सन 1926 में मेवात हरियाणा में हुई थी और इसके संस्थापक मोहम्मद एलियस मोहम्मद इस्माइल थे, जिनको बाद में हाजी साहब के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना के बाद बहुत से देशों में इसके अनुयायी बने, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कनाडा, पाकिस्तान आदि। जब इसके अनुयायियों की संख्या अन्य देशों में बढ़ी तब इसका मुख्यालय मेवात से नई दिल्ली के निजामुद्दीन में लाया गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर या मरकज का नाम दिया गया। जैसा कि ऊपर मैंने चर्चा में कहा है कि तबलीगी जमात का सम्मेलन 1 से 15 मार्च के बीच निजामुद्दीन दिल्ली में हुआ था, जिसमें करीब 10 से 15 हज़ार लोगों ने भाग लिया था और इसमें 824 विदेशी भी शामिल थे। सम्मेलन की समाप्ति यानी 15 तारीख के बाद बहुत सारे लोग विभिन्न राज्यों में चले गए। जो बचे थे उनको 29 से 31 मार्च के बीच पुलिस ने बल प्रयोग करके निकाला, जिनकी संख्या 2361 बताई गई है। इन 2361 में से 617 लोग कोरोना से संक्रमित होने का संदेह में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और इनका इलाज जारी है। ऐसे में इस सवाल का उठना स्वाभाविक है कि क्या जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और कोरोना की लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग या अजनबियों से न मिलना ही एकमात्र कारगर उपाय है, तब क्या ऐसे सम्मेलन को कराया जाना उचित था? क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? फॉक्स न्यूज़ के लिए पत्रकार जी नॉर्मन लिखते हैं कि इसी प्रकार का धर्म सम्मेलन तबलीगी जमात द्वारा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बारी इलाके में 27 फरवरी से 1 मार्च तक हुआ था और इसमें करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया और इस सम्मेलन के पश्चात भी करीब 600 लोगों का टेस्ट किया गया और इस जमात से संबंधित 600 लोगों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण पाए गए थे, जो उस देश के कुल संक्रमण का 2/3 हिस्सा है। इस सम्मेलन के बाद इनकी इस जमात के लोग 3 हिस्सों में बटे, जिसमें अधिकतर लोग भारत आए, दूसरे इंडोनेशिया गए और तीसरे पाकिस्तान गए। इंडोनेशिया के गोवा शहर में, जो साउथ सुलवेसी प्रोविंस में है, इन लोगों का सम्मेलन 19 मार्च से होना तय था, लेकिन इंडोनेशिया सरकार ने इस सम्मेलन पर बैन लगा दिया और जो सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोग आए थे उनकी जांच की गई और वहां भी 311 कन्फर्म केस कोरोना वायरस के पाए गए। जब इसके सम्मेलन के आयोजनकर्ता एसए थोरिक से जब वहां के स्थानीय पत्रकार ने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि स्वास्थ्य, बीमारी और मृत्यु ये सभी भगवान के हाथ में है और इस सम्मेलन से कोरोना वायरस का हम लोगों पर कोई डर नहीं है, क्योंकि जीना और मरना ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर ही हम लोगों को मदद करेगा, बचाएगा। पृष्ठभूमि में यह आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन को आयोजित करने वाले को यह पता था कि ऐसे सम्मेलनों से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी अंधविश्वास को मान के इस प्रकार का आयोजन दिल्ली में कराया गया। राजपत राय ने कहा था कि रिलीजन्स मस्ट बी रेशनलाइज एज मच एज पॉसिबल, अदरवाइज दे सीज टू एग्जिस्ट। सादे शब्दों में कहा जाए तो उनका कहना था कि धर्म में विश्वास जरूरी है, लेकिन धर्म में अंधविश्वास जरूरी नहीं है।
और यह धर्म में अंधविश्वास केवल एक संप्रदाय की धरोहर नहीं है। अभी हाल में ही क्रिश्चियन समुदाय का एक सम्मेलन सिंकोजी चर्च साउथ कोरिया में हुआ था और उस चर्च में सम्मेलन के बाद बहुतेरे लोगों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण पाए गए थे। जब उसके संस्थापक लिमुन ही से बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि बीमारी और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर उनकी देखभाल करेगा। अगर कोई बीमारी से अगर कोई मरता भी है, संक्रमण से कोई मरता भी है, तो यह समझा जाएगा कि ईश्वर की मर्जी है। तो आप अब यह समझ गए होंगे कि अंधविश्वास को मानने वाले इसी प्रकार का तर्क देके धर्म को जीवित रखना चाहते हैं और यही बात इंडिया में भी तबलीगी जमात द्वारा किया गया और जिसका परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। मानवता के रक्षा के लिए धर्म एक साधन है और सभी धर्मों में प्रकाय इस प्रकार की बातें कही गई हैं। मुस्लिम धर्म में उसके सुराहे हदीद में यह कहा गया है कि ही इज विथ यू वेयर एवर यू आर, भगवान सब जगह है, जहां आप बुलाओ वहां आ जाएगा। रामायण में इस संबंध में बहुत सुंदर व्याख्या मिलती है। जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया था और सारे देवता इकट्ठा होकर भगवान से प्रार्थना करने वाले थे कि आप अवतार लें और पृथ्वी का भार हरण करें, तब यह सवाल उठा कि भगवान से प्रार्थना कहाँ की जाए। तभी शंकर जी ने यह सलाह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि सभी जगह है, भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, जहाँ आप प्रकट कीजिएगा वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसके लिए अगर जरूरी हुआ तो यह जरूरी नहीं है कि हमेशा धर्म संसद बुला के गैदरिंग में ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारा मन अच्छा है तो हम अपने पास भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। आज देखिए वेटिकन बंद है, गिरजाघर वहाँ का बंद है, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में उसके मंदिर को उसके मस्जिद को बंद कर दिया गया है। में तो एक और अच्छी बात कही गई है, एक अच्छा संदेश दिया गया है कि अगर किसी बीमारी से लड़ना हो तो वैद्य की सलाह माननी चाहिए, उसको उपचार करना चाहिए, उसको दवा देनी चाहिए। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई थी तो उन्हें संजीवनी बूटी देकर उन्हें जगाया गया था। रामायण में कहा गया है कि तुरंत वैद्य तब किन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। इसका मतलब है कि आज के युग में जो वैद्य कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अजनबियों से न मिले, अपने हाथ को साफ रखें, वही इस रोग का उपचार है, न कि धर्म संसद करना या कोई पूजा पाठ करना या अफवाहों पर ध्यान देना। पुलिस ने इस सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और शेष लोगों की तलाश जारी है ताकि उन लोगों को अलग किया जाए और दूसरों में वायरस फैलने से रोका जाए। लेकिन इस मामले को धर्म के चश्मे से न देखा जाए, यह एक गलती थी और गलती उन्होंने किया है जिसके लिए पुलिस उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। हम लोगों को आज ज़रूरत है कि देश में एकता बनाए रखें और प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि 5 मार्च को 9 बजे दीप जलाएं और पूरे देश एक साथ मिलकर दीप जलाए ताकि एकता प्रदर्शित हो, उस प्रदर्शन को, उस कार्य को करना जरूरी है।